देखिए, इस बात से ये बात तो स्थापित हो गई है कि कांग्रेस नेहरू परिवार की चमचागिरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वैसे इस वचन पत्र का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने विगत विधानसभा चुनाव के वचन पत्र को जिस प्रकार से श्रद्धांजलि दी है और उसका जो अंतिम संस्कार किया है वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, और जिस प्रकार से उस वचन पत्र में किए हुए वादे में से एक भी वादा कमलनाथ जी की सरकार ने पूरा नहीं किया, उसके बाद इस तरह के वचन पत्र का कोई मायने नहीं निकलता। परंतु पप्पू गांधी की तस्वीर नहीं है, उसको लेकर यदि फिर से वचन पत्र छप रहा है तो ये बात फिर स्थापित होगी कि पप्पू गांधी जी की चमचागिरी करने में कमलनाथ जी लगे हुए हैं। पर मध्य प्रदेश का किसान पप्पू गांधी जी से ये ज़रूर पूछेगा कि मंदसौर की सभा में जब तुम विधानसभा चुनाव के समय आए थे और कुर्ते की बाहें उठा उठा कर 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? मुझे लगता है कि पहले वचन पत्र में राहुल गांधी की फ़ोटो नहीं छापने के पीछे का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान राहुल गांधी के उस वादे खिलाफी के से बहुत दुखी है। इसीलिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने और कमलनाथ जी ने राहुल गांधी का फ़ोटो नहीं दिया था, और अब नेहरू परिवार के दबाव में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की टीम ने घुटने टेके हैं। ये बहुत ही शर्मनाक।